चीजें नहीं थी। जी 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 जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी तरफ़ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक बहुत बहुत, और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं आई हूँ बच्चों को लेके शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें ख़रीदने उनके साथ, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेंगे और बच्चों के ड्रेस वगैरह लेंगे 14 अगस्त के हवाले से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ। तो मैं, हस्बैंड और मेरे भाई और नोमी भाई, हम सब बच्चों को लेके आए हैं जुदून प्लाज़ा, और यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। तो हमारे साथ ही रहेगा, वीडियो बहुत पसंद आएगी आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये बड़े वाला बाजा किस कितने का? 500 का। और ये टोपियाँ 100 रुपए की। ये कुर्ते हैं, ये देखें जी, बच्चों ने अपने अपनी चीजें। और यहाँ पे हस्बैंड को नून लीग का परचम नज़र आया तो उन्होंने वो भी उठा के और लहराना शुरू कर दिया। ये देखें जी, बच्चों को हम लेके आए हैं अदनान भाई। हमारे वक्त में जो है वो ये चीज़ें नहीं थी। जी 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 ज़बरदस्त है, जो लेनी है आप ले लें बेटा। साइज ठीक है, इसी के ऊपर पहन के चेक कर लो, नहीं तो नहीं बस ठीक ही लग रहा है। सॉरी, ये बड़े बच्चों के लिए है। अच्छा नहीं चला, ये नहीं है छोटे साइज में, ये देख। एब्सोल्युटली नॉट अली शर्फा, ये देखो शर्फा इधर आओ, ये देखो जी भजन। और ये अदनान भाई जो कि अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को बड़े प्यार से उठाया उन्होंने। अदनान भाई क्या आपका ख्याल है कि अगली तहरीक आज़ादी जो है वो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप लगा सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आज जश्न आज़ादी के लिए इधर बाजार में आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुमाइम आज क्यों आए हो आप इधर? आज क्या डे है? इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। बेटा ये जी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बनने से पहले का ये कॉलेज है, गोयन हॉल कॉलेज। इसकी आई थिंक पहले ये श्रीनगर में था, फिर बाद में यहाँ पे ने शिफ्ट किया कश्मीर, सीने कश्मीर में। तो ये देखें ये मन चले, शॉप है इनकी भाई की, शॉप तो क्या स्टॉल है छोटा सा। तो ये देख सकते हैं आप आज व्यूअर्स काफ़ी रौनक है, आज योम आज़ादी पाकिस्तान है। जी बेटा कर देंगे अभी 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 उतार दो। ये शमायम क्या है? तो यहाँ से बच्चों की हम लोगों ने सारी चीज़ें ले ली हैं, जो जो उनको पसंद था उन सब ने ले लिया, और बच्चियों के ड्रेस ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं घर और इनको करेंगे रेडी, और थोड़ी देर घर में सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, और वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाएंगे अच्छी सी एक जगह पे जहाँ पे सेलिब्रेशन भी हो रही है और थोड़ा सा फ़न भी है, तो बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। तो अभी चलते हैं घर। जश्न-ए-आज़ादी मुबारक हो।
So welcome to our YouTube channel, and today is 14th August here in Pakistan. So I wish you everyone 14th August! So here is my 14th August outfit. And here is my 14th August outfit. Yeah, look nice. Salam bhi ready ho chuke hain, Usman abhi ready nahi hue, idhar aaye thi wo. Happy Independence Day. Pakistan zindabad! Pakistan zindabad! Dil Pakistan ja ja Pakistan dil dil Pakistan ja ja Pakistan. तो यहाँ पे मेरी छोटी छोटी चिड़ियों को और मेरे शहजादे को ज़्यादा मिली नगमा नहीं आते थे, लेकिन उनको ये एक सॉन्ग याद था तो मैंने उनको कहा चलें यही गुनगुना लें. तो उनको शुरू की एक लाइन आती थी और उसी लाइन को उन्होंने गा गा के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए. तो जनाब यहाँ पे बच्चों ने किया खूब इंजॉय अपने कज़न्स के साथ और मिली नगमे गा के. और मेरे नेफ्यू थे वो ड्रेस अप भी हुए थे, उन्होंने फौजी ड्रेस पहना था और खूब इंजॉय किया. सिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे, सब ने मिल के इंजॉय किया. और बस अब मैं बच्चों को रेडी करूँगी और हम निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए. तो जनाब हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल आए हैं और रास्ते में ये देखें छोटे छोटे स्टॉल हर जगह लगे हुए थे, पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे भी पाकिस्तानी परचम लगाए हुए हैं और सेलिब्रेशन हो रही है. तो बस हम लोग भी इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पर पहुँच के आपसे करते हैं बाकी की बातें. आपने हमारे साथ ही रहना है और व्लॉग को देखना है एंड तक, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. क्या बोलोगी, मजा आ रहा है? आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट स्विंग नाउ. और यहाँ पे मेरी बंदरिया का रोना जो है वो स्टार्ट हो चुका था कि ये कह रही थी कि मैंने भी जाना है, लेकिन इनके बाबा कह रहे थे कि ये छोटी है और यहाँ पे ज़रा झटके वगैरह लगते हैं तो इनका जाना सही नहीं है. लेकिन शमाइम तो फिर शमाइम ही है. What are you doing? My bag, Shalal. Come on, let's go.
तो जनाब हम लोग यहाँ पे गीगा मॉल में आए हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया होता था बच्चों के लिए, और इन्होंने ये एक स्टॉल भी बनाया होता जहाँ पे वो बच्चों के फेस पे या कोई भी बनवाना चाहे पाकिस्तानी परचम अपने फेस पे बनवा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी कहा कि उन्होंने फेस पे बनवाना है पाकिस्तानी परचम, और उस्मान जी इशारे किए जा रहे थे कि मुझे भी अपने फेस पे बनवाना है, लेकिन जब बनवाने का टाइम आया तो उन्होंने नहीं बनवाया। तो यहाँ पे शलान और शर्फा बैठ चुके हैं, और ये देखें फिर से इशारा कर रहे हैं उस्मान कि मैंने भी फेस पेंट बनवाना है। तो बस शलान और शर्फा भी बैठे हैं, और इसके बाद शमाई बनवाएंगी। और बहुत अच्छा 14 अगस्त का इंतज़ाम था, और यकीन करें बहुत ज़्यादा रश था, और शॉपिंग और मिली नगमे बहुत ज़्यादा, और बच्चों ने ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो थैंक यू तो जनाब हम लोग आ गए हैं अब बेकरी शॉप पे। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे प्यारे से कपकेक्स नज़र आए थे जश्न आज़ादी के हवाले से, तो वो मैंने बाय किए हैं, और बस ये लेके जाएंगे वापस अम्मी के घर, और वहाँ पे उनको भी देंगे और वो लोग भी इंजॉय करेंगे, और जिस तरह हम सब ने किया। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.